एक दो मारो जोर से मारो, फिर दो से मारो जोर से मारो बहन जी, फिर तीन से मारो जोर से मारो, तीन से, फिर चार से मारो जोर से, फिर पांचों से मारो, मारते रहो। अरे जोर से मारो, पीछे बैठे हुए देख रहे हो सबको, तुम अपने शरीर के लिए कर रहे हो, मेरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, अपने लिए करो, मारो पूरा ऐसे। आ रहा है मजा, आ रहा है थोड़ा सा, आ रहा है मजा, शरीर में हलचल हो रही है। चलो अभी इससे अपना दूसरे हाथ से, पहली उंगली से, एक उंगली से, फिर दो से जोर जोर से, तीन से, चार से, पांच से, मारो जोर से। अभी भी मैं देख रहा हूँ कई सारे नलायक हैं, कोई बात नहीं, मेरे लिए नहीं कर रहे हो आप, मैं तो आपको फ्री की एक बात बोल के जा रहा हूँ। जो एक व्यक्ति ने अपने शरीर के ऊपर में 40 साल का अनुभव किया, और मैं आपको वो बोल के जा रहा हूँ, आपको मानोगे अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो मैं तो, हमारे देश में फ्री का वो जो है ना बहुत मिलता है ज्ञान। तो मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, कि ऐसी क्या गारंटी की ताली बजाएंगे और पैर को ऐसे साफ करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जब हम कोई सड़क से निकलते तो वो इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसजेंडर, है ना, तो कभी कोई डॉक्टर, ये बैठे हुए कभी आपने, आपके पास में कोई ट्रांसजेंडर आया क्या आज तक? कभी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास कभी कोई ट्रांसजेंडर नहीं जाता है, जो असली वाले होते हैं, जो वहाँ से आते हैं बांग्लादेशी, वो नहीं मैं बोल रहा, जो असली वाले होते हैं वो पूरा दिन ताली बजाते हैं। तो एक बार एम्स हॉस्पिटल में भी पूछा गया सारे डॉक्टर से कि कभी एम्स में कोई ट्रांसजेंडर आया है बीमार होकर? उन्होंने कहा आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो पूरा दिन ताली बजाते रहते हैं, तो ताली बजाओगे तो सारी नसें खुल जाएंगी, बीमार नहीं होगे। अभी दो मिनट ताली बजाना, ये काम भी जब इसी पार्क में नहीं कर रहे लोग मेरे सामने बोलने के बाद, तो घर जाके क्या करेंगे? तो अभी ठीक है, आपकी मर्जी है, तो अपना खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, यही मैं प्रभु से कामना करता हूँ। सरीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने कैंप लगाया, हमारी सारी बहनों ने, माताओं ने, हमारे यहाँ के चावला जी निगम पार्षद, इनका सहयोग मिलता रहता है। और अभी देखो एक और खुशखबरी है कि हमारे मोदी जी ने, राम मंदिर भी बन रहा है, 22 जनवरी को राम मंदिर बन रहा है, तो कौन कौन जाएगा बाद में राम मंदिर? सभी जाओगे। तो मैं जो लोगों से पूछता हूँ कि बताओ राम मंदिर कौन बनाया, बताओ कौन बनाया राम मंदिर? यही तो गलत बोलते हो, नहीं नहीं नहीं, राम मंदिर मोदी ने नहीं बनाया, राम मंदिर उन्होंने बनाया जिन्होंने मोदी को बनाया। 2014 में जिन लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, उन लोगों ने राम मंदिर बनाया। अगर आप लोग अच्छा वोटिंग नहीं करते तो राम मंदिर कैसे बनता? आप लोगों ने अच्छी सरकार चुनी तभी तो ये काम हो रहा है। तो अभी जैसे बताया है कि कल जो है अपना क्रिसमस भी है, कल जो है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी का जन्म दिवस भी है, और परसों क्या है मुझे बताओ, परसों क्या है? 26 तारीख को बॉक्सिंग वीर बाल दिवस, परसों है वीर बाल दिवस, हमारे चार साहिब चादों की शहादत, वो आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मगर चार साहिब जादों की शहादत, वो देश को कभी नहीं भुलाना चाहिए। और उनकी शहादत के ऊपर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटे थे, उन्होंने चारों को अपने धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया, और वो चारों बच्चों ने अपने धर्म को नहीं बदला। उन्होंने मुगलों को कहा कि तुम्हें हमें मारना है तो मार दो, मगर हम अपने धर्म को नहीं बदल सकते। तो वो जो आज हमारी संस्कृति वो है, मगर होता क्या है, आज़ादी के बाद बाल दिवस वो किसके नाम पर मनता था? जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? कुछ नहीं किया।
तो मैंने पूछा एक बार किसी से कि भाई बाल दिवस जवाहरलाल नेहरू के नाम पर क्यों बनता है, तो उन्होंने कहा कि चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था। तो आपको बच्चों से प्यार नहीं है क्या? मुझे बच्चों से प्यार नहीं है क्या? दुनिया में ऐसा कौन है जिसको बच्चों से प्यार नहीं होगा? तो सभी को बच्चों से प्यार है, तो वो कोई अलग से निराले तो नहीं थे जवाहरलाल नेहरू जी? क्योंकि हमें कोई शहीद का नाम याद ना रहे, कोई महापुरुष का नाम याद ना रहे, केवल इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रहे, इसलिए उन्हीं के नाम पे बाल दिवस कर दिया। मगर जिन चार बच्चों ने 7 साल 9 साल 11 साल 13 साल 15 साल की उम्र में अपने धर्म को नहीं बदला और उन्होंने कहा हमें मार दो भैया, हम धर्म को नहीं बदलेंगे, ऐसे बच्चों का जो जीवन है उस पर बाल दिवस बने, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 26 जो है दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा उनकी वीरता को याद करते हुए। इसलिए परसों जो है आपको कोई ना कोई कार्यक्रम ऐसे चार साहिबजादों को याद करके वीर बाल दिवस का करना चाहिए। हमारे सारे गुरुद्वारों में तो हो रहा है, मगर आप भी कहीं ना कहीं जो अपना गरीब लोग हैं उनकी सेवा में लगाइए, कहीं ना कुछ कुछ करिए और उनको याद कीजिए, तो ये बहुत जरूरी है। जो हमारे देश के लिए मरे, जो हमारे देश के लिए मिटे, हम उन्हीं को याद नहीं करें और आज ही जो है आज में जीते रहें उसमें काम नहीं चलता। तो आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सबकी लंबी उम्र हो, आपको कभी कोई दवाई की जरूरत ना पड़े, कभी कोई कैंप की जरूरत ना पड़े, ये मेरी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद।